और खबर मिल रही है महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीनियर वकील अमरेंद्र शरण को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी महेश गुप्ता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, इस खबर पर क्या डिटेल्स हैं और ये दोबारा जांच की जो मांग की जा रही है ये क्यों की जा रही है, याचिका में क्या क्या बातें कही गई? देखिए, इसमें जो एक वकील है महाराष्ट्र के, उनकी पिटीशन है, उसमें उनका कहना था कि इस हत्याकांड में दो से ज्यादा लोग शामिल हैं और इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो इसको डिसमिस करने वाला था, लेकिन वकील ने काफी जब इंसिस्ट किया कि नहीं, इसकी पिटीशन को सुना जाए, तो फिर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे और मंडे जो है वो मिसलिनियस डे होता है, काफी केसेस लगे होते हैं नए केस। तो यहाँ जो सीनियर एडवोकेट है, जो वाला घोटाले में सीबीआई के वकील भी हैं और पूर्व जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं अमरेंद्र शरण, तो उनको बोला है, उसको अमाइकस बनाया है कि वो इस वकील से जो पिटीशन लेंगे और पिटीशन में देख लेंगे कि क्या कहीं कुछ तथ्य, कुछ दमदार कुछ है या कुछ उस पर कुछ गौर फरमाने लायक बात है या नहीं, और उसके बाद अगर जो है अमरेंद्र शरण कोर्ट को बताएंगे कि पिटीशन में क्या कुछ काम का है या नहीं, उसके हिसाब से फिर कोर्ट जो का 30 अक्टूबर को। चलिए, तो अगली सुनवाई जो है वो आप 30 अक्टूबर को होगी। इस मामले में जानकारी देने के लिए शुक्रिया।